वेलकम बैक गाइस। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आइडल के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी प्री इंस्टॉल्ड पाइथन के साथ में जो आईडीई आती है, तो उसे ओपन करेंगे कैसे। हम तो इस विंडो की दबाएंगे और टाइप करेंगे IDLE और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। विंडोज़ में भी सेम स्टेप है, तो ये हमारा खुल के आ गया। ओके, और यहाँ पर शो हो रहा है पाइथन 3.6.7, यानी इसी वर्जन के साथ में काम करना है तो हमारा वही शो हो रहा है। हालांकि अब विंडोज़ में हमने 3.7 डाउनलोड किया था, ठीक है, तो मैं यहाँ भी अपडेट कर सकता हूँ पाइथन के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अभी 3.7 और 3.6 में, ठीक है। तो हम इसमें पाइथन 3.6 साथ वर्क करेंगे, अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ना अब इस इंटरफेस के बारे में समझते हैं कि है क्या। एक बात बताना पहले भूल गया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि पाइथन में जो रनिंग होती है ना प्रोग्राम की, वो इंटरप्रेटर के थ्रू होती है, ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन होती है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में ये डिफरेंट होता है कि कंपाइलर क्या करता है कि आपका कोड को एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो वो तुरंत शो कर देता है, कुछ भी आउटपुट वगैरह नहीं देता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अगर आपकी पहले एक लाइन चेक हुई बिल्कुल ठीक है, वो तुरंत उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लाइन चेक करेगा, अगर वो ठीक है एग्जीक्यूट कर देगा। अगर थर्ड लाइन में एरर आ रही है तो पहले की दो लाइन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद में थर्ड लाइन में एरर आ रही है। कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है, कंपाइलर में अगर एरर आती है तो पहले दिखाता है कि भाई एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है, डायरेक्ट दिखाता है कि भाई एरर आ रही है। ओके, तो पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है, तो हमारी जो कोडिंग चेकिंग होती है वो लाइन बाय लाइन होती है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली कुछ प्रिंट करना है तो हम लिख सकते हैं PRINT, ठीक है, प्रिंट और ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 10 प्रिंट करना है तो मैं 10 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, हमारा तुरंत यहाँ पर आउटपुट भी आ गया। अगर आपको कोई भी फंक्शन के बारे में देखना है तो आप जस्ट ऐसे डाउनलोड ऐसे देख चेक कर सकते हैं कोई सा फंक्शन आपका उसमें हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हम न्यू फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पे डिबगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और डिबग कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर कोई नई फाइल बनाऊँ, अगर कोई प्रोग्राम लिखना है किसी फाइल के अंदर, तो हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। एक डिफरेंस है कि अगर आपने इंटीजर को प्रिंट करना है, इंटीजर होते हैं नंबर्स, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो अगर आपको इंटीजर को प्रिंट करना है तो हम जस्ट विदाउट जो हमारे ये वाले कॉमास होते हैं, ठीक है, इनवर्टेड कॉमास विदाउट इनके यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। लेकिन अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास देने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हैं, राइट। तो ये कॉमास यहाँ पे कंपलसरी हैं अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई इंटीजर को या फिर फ्लोट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ यहाँ पे, ओके, हियर वी हैव इट, सेव किया, कहाँ पे कर लेते हैं इससे, हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, होम, ओके, वी हैव, ओके, हाँ, इंद्रजीत के अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक देयर शुड बी डेस्कटॉप, ओके, हियर वी हैव इट, ओपन किया और यहाँ पे कोई, हाँ, एक बात और, हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है, बस उसका एक्सटेंशन जो भी फाइल का सेव करेंगे, ठीक है, उसका एक्सटेंशन .py या फिर .pyw होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ py दे रहे हैं एक्सटेंशन, तो मैं लिखा मेरा प्रोग्राम .py। ओके, सेव किया, सेव हो गया। अब हम यहाँ से रन करके देख सकते हैं, ओके, और हमारे आंसर आ गया तुरंत, हेलो, सिंपल है। हाँ, अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे बाय और इसे रन किया, ओके, तो यहाँ पे तुरंत लिखा गया बाय। ओके, तो ऐसे हम मल्टी लाइन प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं पाइथन में। तो बेसिकली मैं आइडल को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, आई थिंक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अचानक में कुछ ज़रूरत पड़ जाए, आप जाकर सर्च करना चाहें किसी फंक्शन के बारे में, या आपको पता हो यार श्योर ना हो कि फंक्शन वर्क करता नहीं करता, जस्ट आइडल खोलो, उसमें जाके चेक कर सकते हो फंक्शन डाल के, ठीक है, वर्क कर रहा है तो चल जाएगा, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो एरर आ जाएगी, दैट सिंपल। ओके, तो इसीलिए हम आइडल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी जो हम आईडी यूज़ करने वाले हैं वो हमारी है पाई चार्म। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय बाय।